रानी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिराज का विवाह उस तरफिका से नहीं होगा। तो कैसे रुकूंगी चिंता का, हम बीमा है। उन्होंने मुझे एक रास्ता बताया जिससे मैं अधिराज की आताश वापस ला सकती हूँ। तुम्हें कोई रास्ता पता है तो हमें बता, ताकि हमें संतुष्टि हो सके। बोलो ना सर, बोलो। नहीं बता सकती आप? क्षमा कीजिए, मैं आपको नहीं। फीडबैक करो पहले, जो भी जाए। क्षमा कीजिएगा, मैं अभी आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। कैसे मान ले कि विवाह नहीं होगा? मजबूर हो भी मजबूर हो, एक्शन। भरोसा कीजिए रानी, ऐसा समझ लीजिए कि मैं अधिराज की आदर्श वापस लाने के लिए बाहर जा रही हूँ। देखा, वो कुछ सोच रही है, वो कुछ सोच रही है। और ये फिर से पूछा, पर तुम अगर हमें पूरी बात नहीं बताओगे तो हम, हमारी चिंता तो बढ़ती ही जाएगी ना। बताओ ना सुनहरा कि पूरी बात क्या है, बताओ रानी। अगर मैंने आपको बता दी तो अधिराज की आदर्श कभी वापस नहीं लौटेगी। मैंने वैद्य को बुला दिया, वो बस आते ही होंगे। हमें किसी वैद्य की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई वैद्य ठीक नहीं कर सकता जब तक हमारी चिंता दूर नहीं है। हमें तुम दोनों की चिंता होगी। अधिराज को किसी और का होते हुए देख हमारा हृदय छल नहीं हो रहा है। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कह रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए। सॉरी, आपको